पिंकी, ए गेट अप, कम ऑन, तुम्हारा हॉस्टल आ गया है। कमाल है, इतनी जल्दी आ गया। कमाल है। Theo. Theo, baby. जानती हो टाइम क्या हो रहा है? डार्लिंग, घड़ी की सुइयां न तुम रोक सकती हो न मैं, इनका तो काम ही चलना है। मैटिन पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे। इसका नाम ले लिया यार, सारा मूड खराब कर दिया। आई हेट हर, ये मत करो वो मत करो, जैसे हम लड़कियां नहीं मैकेनिकल टॉयज हैं। तुम आज फिर शराब पीकर आई हो? देखो, तुम्हें किताब में शांति मिलती है और मुझे शराब में। इसका अंजाम भी सोचा है? जिंदगी का अंजाम मौत है, इस डर से क्या लोग छीना छोड़ देते हैं। माय स्वीट 17, मैं जीना चाहती हूँ, सिर्फ जीना। Oh,
बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, आप उसे वापस ले जा सकती हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बेटी को पहले भी वार्निंग दी गई थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी आबादी के लिए हम दूसरी लड़कियों को बर्बाद नहीं कर सकते। मैनेजिंग कमेटी ने ये फैसला सोच समझ कर किया है। सिस्टर, आप जितनी डोनेशन चाहे ले लीजिए। मैं डोनेशन? मिसेस ठाकुर, आप मालदार औरत हैं, इससे आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप हमारी इज्जत और हमारे उसूलों को खरीदने की कोशिश करें। You may go now. मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या आवारा बनने के लिए? मैं क्या जानूं? तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? मेरी जिंदगी से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? माँ? माँ का काम सिर्फ जन्म देना होता है, उसके बाद माँ अपना रास्ता चुनती है, औलाद अपना। ये तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मालकिन, पिंकी बेबी अभी अभी आई है, बाद में आराम से समझा लेना। चंद्रा, ये भूल चुकी है कि ये किस खानदान से ताल्लुक रखती है। हाँ हाँ, भूल चुकी हूँ और याद करना भी नहीं चाहती। इस घर का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में रहा तो मिट जाएगा, अपने हाथ में रखो तो अच्छा है। तुम जा सकते हो भास्कर। मेरे बापू कहाँ है?
बापू? मुझे कहना पड़ा इसका बापू इसे बुला रहा है, तभी मेरे साथ यहाँ आई है। तो मेरे बापू यहाँ नहीं है? ये तुम्हें मालिक बताएंगे। चंद्रा, चंद्रा, कहाँ मर गए सब के सब? क्या बात है साहब? पिंकी हॉस्टल से वापस आ गई? जी आ गई। कहाँ है वो इस वक्त? अपने कमरे में है। चंद्रा, अपने साहब से कहो कि वो पिंकी से ना मिले, शायद वो सो रही है। चंद्रा, अपनी मालकिन से कहो कि मैं उससे किसी भी वक्त मिल सकता हूँ। चंद्रा, अपने साहब से कहो कि वो इस हालत में पिंकी से ना मिले। चंद्रा, अपनी मालकिन को समझा दो मैं चाहे जितना पी लूं, बहकता तब हूं जब मैं बहकना चाहूं। कहां से ला रहे हो अपने साहब को? जी शिकार से। तुम्हारा शिकार। भास्कर, तुम्हारा शिकार एस्टेट बंगलों पर ही हुआ होगा, क्यों? ये मत समझो मालकिन कुछ जानती नहीं। जानती है तो फिर पूछती क्यों है? तुम्हें हॉस्टल से क्यों निकाला गया? जिनके साथ आई थी उन्होंने नहीं बताया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। मेरे सवाल का जवाब दो। अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ शराब पिया करती थी, हॉस्टल देर से आती थी। गुड। अब क्या सोचा है? अब तो इसी कैदखाने में रहना पड़ेगा। कैदखाना? मेरी नजरों में ये घर कैदखाने के सिवाय और कुछ नहीं। बिल्कुल माँ पर गई हो। जैसा खून वैसा रंग। नमस्कार मालिक, नमस्कार। क्या हुक्म है सरकार? मुनीम जी, कुछ पैसे चाहिए। चेक दूं या कैश? समझ गया मालिक, समझ गया। मैंने आज सुबह ही बैंक से निकलवा लिए थे, सोचा मालिक को कहीं जरूरत पड़ गई तो। कितने दूं मालिक? 50,000। 80 ले जाइए ना, दो दिन बैंक बंद है। जय लक्ष्मी। लीजिए सरकार, लीजिए। ये क्या बात है, तुम इस गाड़ी पे थूकते क्यों हो? ये मुझे पता है या जिस पे थूकता हूँ उसको? तुम दोनों में ऐसी कौन सी बात है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब वक्त आएगा अपने आप सबको पता चल जाएगा, और तब तक मैं अपना गुस्सा इसी तरह उतारता रहूंगा। आखू अरे कैत्री, कैसी हो बहन?
अच्छा। मालती, हाँ इसे बैठने को नहीं जाने को कहो। मैं समझता था कि जिंदगी में शायद तुम इस घर में पांव नहीं रखोगी, लेकिन लगता है शर्म नाम की कोई चीज नहीं तुम में। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, पूछ तो लीजिए ये क्या कहना चाहती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भैया, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके सामने मैं अपना दिल का बोझ हल्का कर सकती हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता तो बहुत पहले टूट चुका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, उनके रिश्ते भी कहीं टूटते हैं। सुन तो लीजिए ये क्या कहने आई है। पिंकी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। छोड़ दी है या उससे कॉलेज से निकाल दिया गया है? अगर वो यूं ही रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो खुद अपने हाथों बर्बाद हो चुकी हो वो भला अपनी बेटी को बर्बादी से कैसे बचा सकती है। भैया, पिंकी को बदनामी से बचा लो, उसकी जिंदगी संवार दो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने में मेरी मदद करो भैया। माया और तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो? समाज में तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। भैया चल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हेलो पिंकी हियर। हाय अमल, कहाँ से बोल रहे हो? तुम इसी शहर में हो? तुम लाइवली करते हैं, लेट्स मीट समवेयर। बैम्बू क्लब इन वंडरफुल, बस मैं अभी आई। ड्राइवर चलो। मालकिन से पूछना पड़ेगा। क्यों? उनका हुक्म है जहां भी जाना हो पूछ कर जा। और मेरा हुक्म है तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। देखिए छोटी मैम साहब, मैं उनका नमक खाता हूँ, उनसे पूछे बगैर मैं। तुम्हारी ये हिम्मत। बरसों से इस हवेली का नमक खाया मालकिन, मार आज पहली बार खाई। मैं पिंकी की तरफ से माफी चाहती हूँ। नहीं मालकिन, मैं नौकरी करने आया था, मार खाने नहीं। हाय पिंकी। हाय अमर। Oh, you're looking so beautiful. कितनी हसीन लग रही हो तुम। You don't know, man. तुम्हारा फोन पाकर मैं कितनी खुश हुई। अरे हमने तो सोचा था शायद तुम आओगे नहीं। आती कैसे नहीं? Thanks for coming. बैठे बैठे घुटन सी महसूस हो रही थी। क्यों? बस यूं ही। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं। अरे भूल जाओ सब कुछ, दुनिया की हर बीमारी हर दुख की दवा है ये। बहन जी, पंडित जी का कहना है कि लड़का लड़की की कुंडलियां एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी हैं, दोनों बहुत सुखी रहेंगे। तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लें। मुझे क्या एतराज हो सकता है भाई साहब, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। सेठ जी, हाँ। बड़ा भाग्यशाली है आपका बेटा। हाँ। हमारे पिंकी बेबी का स्वभाव, अरे गाय है गाय। अच्छा? बड़े धार्मिक विचार है उसके, जब तक के गंगा जल मुंह से नहीं लगा ले खाना ही नहीं खाती। लेकिन वो गई कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटी। अपनी सहेली के यहाँ गई है, बस आती होगी। शायद पिंकी बेबी आ गई। Thank you.
हेलो एवरीबॉडी, ये सब क्या है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पिंकी बेबी, ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों? ये आपको देखने आए हैं। मुझे देखने आए हैं? मैं क्या कोई चिड़ियाघर का जानवर हूँ जो मुझे देखने आए हैं? तो ये है आपकी गाय, जब तक गंगा जल मुंह से ना लगा ले खाना नहीं खाती। भगवान ने हमें बाल बाल बचा लिया, वरना आपने हमें फांसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शरीफ खानदान देखकर आए थे, पूरी जायदाद दहेज में दोगी तो भी हम रिश्ता नहीं करेंगे। चलो सेठ जी, सेठ जी सुनिए, सेठ जी ठहरिए, सेठ जी सेठ जी ठहरिए, सेठ जी क्या कर रही हैं? पिंकी बेबी तो नादान है, ना समझ है। ये सब क्या है? जानती नहीं, वो लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। जानती हूँ, मगर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की किसी को कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी रिश्ते किसी नाते को नहीं मानती। तूने आखिर सोचा क्या है? क्यों मुझे इस तरह तड़पा रही हो? किस बात का बदला ले रही है मुझसे? कौन सा पाप किया है मैंने? क्या तेरे दिल में अपनी माँ के लिए जरा सा भी दर्द नहीं है? दर्द? मेरी अपनी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं। किस बात की परेशानी है तुझे? कौन सा दुख? दुख यही है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, किसी को मुझसे प्यार नहीं। मैं अपने ही घर में अजनबी की तरह जी रही हूं। क्यों अपने को अजनबी समझती है? कौन कहता है तेरा कोई नहीं है? जवाब दे, मैं जानना चाहती हूं, बताओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुझे बताना होगा, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आज तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा गम है तुझे? कौन सा दुख? इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो। पागल हो गई हो क्या? इस घर की इज्जत, इस घर की खुशी, इस घर का चैन सब इसी ने मिटाया है। इसी ने। मालिक, मैंने इसी के बारे में आपसे जिक्र किया था। ओ, तुम इस घोड़े पर काबू पालोगे?
कोशिश करके देखता हूँ। अच्छा जाओ। शाबाश शाबाश, हम बहुत खुश हैं। तुमने बहुत आसानी से इस घोड़े पर काबू कर लिया। ठाकुर साहब, इंसान हो या जानवर, अकड़ कभी ना कभी जरूर टूटती। लगता है आपको भी राइडिंग का शौक है। कभी था, चार बरसों से मैं दिल का मरीज हूँ। सवारी कर नहीं सकता, बस सिर्फ देख सकता हूँ। चलो, तुम्हें आज से नौकरी पर रखा जाता है। अगले रेसिंग सीजन के लिए इसे अच्छी तरह से ट्रेन करना। शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हें रामधन का करना चाहिए, जिसने तुम्हारी सिफारिश की और तुम्हें यहाँ लिया। मालिक, मैंने इस पे एहसान थोड़े किया है। अपने आदमियों से ये घोड़ा काबू में नहीं आ रहा था, इसे मैंने इस काबिल समझाओ ले आया। मालिक, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछो। पूछो। मालिक, ये आदमी कैसा है, कहाँ से आया है, कौन है, ये सब पूछे बगैर ही आपने इसे नौकरी दे दी? मुनीम जी। जी। क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? पूछिए मालिक, पूछिए। मुनीम जी, एक बात बताइए जी, जब आप यहाँ आए थे तो क्या मैंने आपसे ये पूछा था कि आप कौन हैं, कैसे हैं, कहां से आए हैं? नहीं मालिक, नहीं। आपने इसे नौकरी देके बहुत अच्छा काम किया है, ये गजब का घुड़सवार है। नहीं, आगे नहीं, इससे बजाओ। ऐसे? हाँ, ये वो हाथ, हाँ वो हाथ, इसको रखो। हाँ, यहाँ से सर पे, हाँ सर पे, हाँ ऐसे बजाओ। ऐसे? नहीं, वो एक मिनट ठहरो, देखो हम बजाते हैं। ये देखो हाथ कहाँ है, ये कहाँ है, ये देखो। हाँ अच्छा। वाह पापा,
फैंटास्टिक, वंडरफुल। ऐसे बजाओ। पिंकी, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, तुम अभी तक पापा को तंग कर रही हो। पापा को तंग कहाँ कर रही है, ये तो सितार बजाना सीख रही है। रात कितनी हो चुकी है, सुबह इसका स्कूल है, आप भी तक गए होंगे, चलिए आराम कीजिए ना। अच्छा चंद्रा, पिंकी को ले जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट डार्लिंग। ए पिंकी, मम्मी को एक और पापा को दो पपी क्यों? इसलिए कि मैं पापा की बेटी हूँ। ए शाबाश, हमारी बेटी को अगर अपने पापा से ज्यादा प्यार है तो इसकी मम्मी क्यों जल रही है भाई। जाओ। चलो पिंकी। ये लीजिए। आपने उस आदमी को नौकरी क्यों दे दी? किस आदमी को? उस घोड़े वाले को। उसने हमें इंप्रेस किया, हमने रख लिया। लेकिन इस काम के लिए तो दो आदमी पहले से हैं। क्यों, कोई खास एतराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे वो कमाल का घुड़सवार है, देखने कितनी आसानी से उसने उस घोड़े को काबू में कर लिया था। ठीक है, आप सो जाइए। चलो पिंकी बेबी, आ जाओ बैठ जाओ घोड़े पे, अब हम तुम्हें राइडिंग सिखाएंगे। बैठ जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आ, आ। ये पकड़ो, लगाओ, चलो आप। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बस अब एक पूरा राउंड। भाई रामधन जी, आज हम कुछ थकान सी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, जरूर से ज्यादा सैर जो कर ली है आपने, कम से कम 4 मील चले होंगे, और इतना चलना आपकी सेहत के लिए। जी ज्यादा चलने से कुछ भी नहीं होता, भगवान राम पंचवटी से लंका तक के पैदल पहुँचे थे। अरे मनीम जी, जी वो तो भगवान थे जी, हम तो दिल के मरीज हैं जी। मेरा ख्याल है ज्यादा चलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा था कि वो ज्यादा चले थे तो उन्हें रावण से युद्ध करना पड़ा था, आप ज्यादा चलकर अपने शहर से क्यों युद्ध करेंगे? आपको उतना ही चलना चाहिए जितना आपका शरीर सहन कर सके। मुनीम जी आप फौरन लट्टू की तरह घूम जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी जी। अगर मैं लट्टू की तरह नहीं घूमूंगा तो आप खुद ही कहेंगे मुनीम जी अड़ियल टट्टू है, एक ही जगह डट के बैठ जाता है। पापा 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 पापा। क्या है बेटी? पापा जानते हो आज मैंने क्या किया? क्या किया बेटी? मैंने घोड़ा चलाना सीखा और बिल्कुल डरी नहीं। है, शाबाश, हमारी बेटी बहादुर है। और क्यों नहीं मालिक, आखिर बेटी किसकी है। अनिल भी घोड़े पे बैठा था क्या? नहीं पापा, वो बोलता है मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर एक दिन अपने घर ले जाऊंगा। अनिल राम खोतेन बच्चा है मालिक, इससे पहले कि इसकी जुबान और लंबी हो जाए उसे काट देना अच्छा है। बदतमीज, नहीं बाबू, जिनके टुकड़ों में बोलता है उन्हीं के घर में। बदतमीजी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे आज।
आपने कमीने कहीं का मलिक 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 कितनी बार कहा है गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं छोटी छोटी बातों की परवाह मत कीजिए ना तुम जैसे डॉक्टर हो तो मरीज कभी कभी बदतमीजी में चल लेता है संभल के मालिक चलिए संभल के हैप्पी बर्थडे मम्मी ये एक ये दो अब तो पापा की बेटी नहीं हूँ ना मम्मी शाबाश अरे भाई तुम वहाँ क्यों खड़े हो यहाँ आओ ना अरे चलो चलो केक खाएंगे चलो अरे भाई इतनी दूर खड़े थे जी ये अमीरों की महफिल और मैं ठहरा गरीब कौन कितना गरीब है ये नहीं देखा जाता दिल में कितना प्यार है ये देखा जाता है ये क्या जी वो एक अदना सा तोहफा हाँ तो आओ प्रेजेंट करो भाई अपने हाथों से करो हाँ जन्मदिन मुबारक हो मालकिन थैंक यू शुक्रिया बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर अरे अरे कहाँ जा रहे हो गाना नहीं गाओगे जी मैं और गाना हाँ रामधन कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो जी हाँ जी हाँ लेकिन ठाकुर साहब ए नहीं नहीं कोई लेकिन लेकिन नहीं चलो शुरू हो जाओ जी पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें कैसे कैसे रूप में है देख ले पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग नर्मो नाजुक है बदन नर्मो नाजुक है बदन दिल में जरा नरमी नहीं नर्मो नाजुक है बदन दिल में जरा नरमी नहीं संग मरमर से बनाए तूने क्यों ऐसे हसी हो के भी लगते बुरे पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग गुलशन में नहीं है कोई फूलों की कमी तेरे गुलशन में नहीं है कोई फूलों की कमी काश तू इनसे बनाता छोटे मोटे आदमी छोटे मोटे आदमी बेमा
पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग। बात खुल के कह रहा हूँ दिल को अपने थामना, तेरे बंदे कर रहे हैं आज तेरा सामना, तेरे बंदे कर रहे हैं आज तेरा सामना। पहले तू पत्थर का था, पहले तू पत्थर का था, अब है तेरे पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग। मालकिन अपने टुकड़ों पर पलने वाले नौकर के कमरे में, कहीं आसमान न टूट पड़े। क्यों उजाड़ना चाहते हो मेरी गृहस्थी? क्यों आए हो यहाँ? तुमने मुझे आसानी से भुला दिया, मगर मैं आज तक न भुला सका। तुम्हें मुझसे जितना प्यार था, उससे कहीं ज्यादा मुझे तुमसे था, लेकिन मैं मजबूर थी। यही मजबूरी थी ना कि मैं गरीब था, बंगले गाड़ियां ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में नहीं रख सकता था। नहीं राज, नहीं, मैं सूखे टुकड़े खाकर भी तुम्हारे साथ गुजारा कर सकती थी, मगर माँ ने जहर खाने की धमकी दी और मुझे अपनी मोहब्बत का गला घोंटना पड़ा। पुरानी बातें भूल जाओ, अब मैं एक माँ हूं, पत्नी हूं। तुम यहां से चले जाओ। ये तुम नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है, समाज का खौफ बोल रहा है। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, इनका सुनना भी मेरे लिए पाप है। पापा, 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 मम्मी, 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 मम्मी। मैं हाथ जोड़ती हूँ राज, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने देवता समान पति के साथ बहुत खुश हूँ। और इस खुशी के पीछे जो उदासी छुपी है, उससे कब तक बचती रहोगी? चलो, हम इस हवेली से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ ठाकुर का मन हो साया भी हम पर ना पड़ सके, जहाँ हम हो, सिर्फ हम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही हम दोनों की भलाई है। पापा, पापा, पापा क्या हो गया आपको पापा? पापा, 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 उठो ना पापा, पापा, पापा क्या हो गया आपको पापा? पापा, पापा, उठो ना पापा, पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, पापा, पापा उठो ना पापा। अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी की, देवता जैसा पति मिला, ये सब कुछ ठुकरा कर उस कमीने रात के साथ प्रेम का नाटक खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसे इस हवेली में नौकर रखवा लिया ताकि उसके साथ। भैया, तुम्हारे चरणों की सौगंध, मैंने उसे नौकरी नहीं दिलवाई, बल्कि उसे यहाँ से निकलवाने की बहुत कोशिश की। जी, उसे नौकरी मैंने दिलवाई थी। काका, तुम बीच में मत बोलो, तुम नहीं जानते कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। एक उल्टा शादी से पहले इस भिखारी राज से प्यार करती थी, इसकी भलाई के लिए हमने ठाकुर साहब के हाथ में इसका हाथ दे दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि ये बदनसीब उसी कीचड़ का टीका फिर अपने माथे पे लगा लेगी और अपने पति की मौत का कारण बनेगी। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो भैया, ये सब झूठ है। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, समझी? ऐसा जुल्म मत करो भैया। ये जुल्म नहीं, एहसान है। जी भर के गुल छर्रे उड़ाना उस आराम जादे से, न कोई रोकने वाला होगा न टोकने वाला। मालती चलो। भैया मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात मानो। आओ। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यहां आया था, ये सोचकर कि जिंदगी के बाकी के दिन तुम्हारे साथ कट जाएंगे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मैं जहां पहुंचता हूं उससे पहले मेरी बदकिस्मती पहुंच जाती है। यहां आया, ठाकुर साहब का देहांत हो गया, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें छोड़कर चले गए, ऐसे में मैं अपनी बदकिस्मती की सजा और तुम्हें नहीं देना चाहता। मैं जा रहा हूं गायत्री, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। मालकिन, एक बुजुर्ग होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। औरत को हमेशा मर्द का सहारा चाहिए, बचपन में बाप का, जवानी में पति का और बुढ़ापे में औलाद का। एक बार जो गलती की उसे दोहराना अच्छा नहीं। काका,
मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ मालकिन, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? लोगों को खुश करने के लिए खुद रोना, औरों का मुंह बंद करने के लिए अपने होठों को सी लेना, ये कहां का इंसाफ है? राज अब भी आपसे प्यार करता है, वो आपको सुखी रखेगा, इस हवेली की इज्जत और इतने बड़े कारोबार की हिफाजत करेगा। एक बुजुर्ग अपनी अजीजा से कह रहा है, एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है, सिद्ध मत कीजिएगा मालकिन, सिद्ध मत कीजिएगा। ये सब इसकी बदौलत है जो दोबारा हम एक दूसरे के करीब आ सके। पिंकी कहाँ काका? अभी तो यहीं थी मालकिन। मैं उसे देख कर आती हूँ। चंद्रा, चंद्रा, ये मेरा घर है, किसी होटल का कमरा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, मालिक ने खुद मुझे इधर बुलाया है। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। पति को तो हाथ में रख नहीं सकती, मुझे क्या निकालेगी? मैं कहती हूँ गायत्री, इसे कुछ मत कहो, इसे मैं लाया हूँ। इतना बड़ा धोखा? भलाई इसी में है कि जो कुछ तुमने देखा उसे अनदेखा कर डालो। हेलो, मैं जब तुम्हें इस हवेली में लाया था, मैंने सोचा था तुम एक इंसान हो। तुम्हें इन बातों में दखल देने का कोई हक नहीं। हक, हक सिर्फ मुझे पहुंचता है। ब्राह्मण, ये मत भूलो कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। मालिक? अरे इस हवेली के कुत्ते भी तुझसे ज्यादा वफादार हैं। नमक हराम, तूने मुझ पे हाथ उठाया। सलील कमीने, एहसान फरामोश। बाबू,
भास्कर, इस बदतमीज बुड्ढे को लाते मार मार के हवेली के बाहर फेंक दो। तूने उसी को डस लिया कमीने जिसने तुझे दूध पिलाया था। लेकिन याद रख, एक दिन मैं तेरा सर कुचल के रहूंगा, तुझसे बदला लेके रहूंगा। बुड्ढे, अगर तूने भौंकना बंद नहीं किया तो आज इस हवेली से दो लाशें बाहर जाएंगी। चलो बेटे। तुम्हें मेरे सामने ऐसी जलील हरकतें करने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? हाँ, अरे यही हिम्मत तो दोबारा मुझे तुम्हारी जिंदगी में ले आई है। तुम क्या कहना चाहते हो? सुनो, मैं वही कर रहा हूं जो सोच कर आया था। सोच कर? हाँ, मैं तुम्हें बेवफाई की सजा देने आया हूं। सजा? राज, तुमने जिस दौलत के लिए मुझे तड़पाया, मेरी मोहब्बत का गला घोटा, आज वही दौलत मेरी है, मेरी, और मैं ये सारी दौलत तुम्हें तड़पाने के लिए खर्च कर दूंगा। तुम इतने नीच हो सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तो आगाज है, अंजाम होने तक जो कुछ देखोगी वो भी तुमने कभी सोचा नहीं होगा। रोगी तुम, तड़पोगी, पिंजरे का दरवाजा खुलवाने के लिए गिड़गिड़ाओगी तुम, मगर मैं एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी, एक नहीं।
से ठुमके से आई हूँ, अपनी जवानी हथेली में लाई हूँ, हथेली में लाई हूँ। आधी रात बीती मैं अब तक पराई हूँ, अब तक पराई हूँ। आज खतरे में है मेरी आँख रंगीले दिल सांवरे, गोरी हाथों से खा लो जी पान रंगीले दिल सांवरे, रंगीले दिल सांवरे, रंगीले दिल सांवरे। मालकिन, आप पिंकी बेबी को कहाँ ले जा रही हैं? तुम तो अच्छी तरह जानती हो चंद्रा, अब इस हवेली में क्या क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस गंदे महल में एक पल के लिए भी रहे। आखिर इसके सिवा मेरा है ही कौन, इसलिए मैं इसे दूर ले जा रही हूँ, बोर्डिंग स्कूल। चाहिए तुम्हें मुझसे कहो। अरे, तुम्हारी जबान पर लगा हुआ ताला आज खुल कैसे गया? खोलना ही पड़ा। मेरी खामोशी ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन अब तुमसे खुल के बात करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीर किसने तोड़ी है? मेरी बेटी ने। उसकी ये हिम्मत? रुको, जो कहना है मुझसे कहो। तो उसने ये तुम्हारे इशारे पर किया है? यही समझ लो, जो काम मुझे खुद बहुत पहले करना चाहिए था, आज वो मेरी बेटी ने कर दिया है। गायत्री, मैं इसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। समझ रहे हो तो फिर सुनो। मैं आज अभी इसी वक्त इस पति पत्नी के संबंध से छुटकारा चाहती हूँ। मैं जानता था तुम एक दिन यही कहोगी। तुमने मुझे तड़पाया, मैं खामोश रही। तुम मेरे ही घर में बाजारों औरतें ले आए, मैं चुप रही। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया। उसका बचपन माँ के प्यार के साए में नहीं, बोर्डिंग स्कूल में गुजरा। और आज आज वो मुझसे नफरत करती है, नफरत करती है मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना गम तो झेल लिया, लेकिन अपनी औलाद को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकती, हरगिज़ नहीं देख सकती। अच्छा, ये ख्याल बड़ी देर से आया। मुझे आज तक दुनिया का डर था, यही सोचती रही कि मैंने तुम्हें निकाल दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। तुम चाहो तो सारी दौलत सारी जायदाद ले लो, लेकिन मेहरबानी करके हमारी जिंदगी से चले जाओ। गायत्री, बड़ी बेवकूफ औरत हो तुम। मुझे इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। उसके बरक्स तुम्हारी तुम्हारी बेटी की जिंदगी, मौत, खुशी, आंसू सब मेरे रहमो करम पर हैं। और इस बात को अच्छी तरह याद रखना तुम।
मालकिन। नमस्ते मालकिन, कितने बरसों बाद देख रहा हूं आपको। मैं अपने गांव चला गया था। तुम हमारे हवेली में नहीं आ सकते थे, लेकिन मैं तुम्हारे घर आ सकती थी ना। पर क्या मुंह लेकर आती तुम्हारे सामने। ऐसा मत कहिए मालकिन। मालकिन, आपकी आंखों में आंसू। ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ जिसे तिनका भी हासिल नहीं। तो मालकिन, क्या राज अब भी आप पे जुल्म। ये सवाल मालकिन से ना ही पूछे तो अच्छा है। उसका जुल्म तो शायद मुझे मरते दम तक सहना पड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी भी। बेटी? क्या हुआ तुमकी बिटिया को? वो अब भी मुझसे नफरत करती है, मुझे मां तक नहीं बुलाती। मेरी ममता, मेरा प्यार, मेरे जज्बात, किसी की कदर नहीं उसे। कम से कम उसे तो समझना चाहिए मुझे। भगवान पे भरोसा रखिए मालकिन, मुझे यकीन है कि पिंकी बिटिया अपनी माँ का दुख दर्द जरूर समझेगी। जब तक बर्दाश्त कर सकूंगी करूंगी, लेकिन जब बात हद से गुजर जाएगी तो मेरे सामने सिर्फ। मालकिन, तन मन के आग भी है। तुम्हें होश आता है बेहोश होकर, ये क्या जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है। Yeah।
समझा है तुमने किनारा, ये रास्ता तबाही का रास्ता है, सोचो पलट आओ मानो भी कहना हमारा, पलट आओ मानो भी कहना हमारा, ये झूठा नशा है ये झूठी खुशी है, ये क्या जिंदगी है ये क्या जिंदगी है, दामन बढ़ा कर तो देखो, जहाँ कांटे होंगे वहाँ फूल होगा, वही जिंदगी है वही जिंदगी है, जिंदगी है जिंदगी है। घर चलिए। क्यों? मैं कहता हूं घर चलिए। तुम कौन होते हो घर ले जाने वाले? ओ यू वॉन्ट माई इंट्रोडक्शन? Oh!
आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी मैं लाया हूं इन्हें, ये लीजिए गाड़ी की चाबियां। गाड़ी की चाबियां? तुम पिंकी को कहां से ले आए? क्लब से, और वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती? लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? जब मैंने देखा इस खानदान की लड़की बुरे संगत में गिरती जा रही है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन जानवरों को इंसानियत का सबक सिखाया और इन्हें यहां ले आया। लेकिन तुम हो कौन? मैं बस यही समझ लीजिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो इस खानदान का एहसानमंद है, जिसे इस परिवार से लगाव है, प्यार है, और जिसका बचपन इसी हवेली के आसपास गुजरा है। मैंने पहचाना नहीं। आपके घर से न जाने कितनों को खाना मिलता था, कितनों पर उपकार होते थे, सबको आप कैसे याद रख सकती हैं? मैं उन्हीं में से एक हूं। पिंकी बहुत जिद्दी है, वो किसी की नहीं मानती, फिर भी तुम उसे ले आए, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। ये शुक्रगुजारी आप सिर्फ लफ्जों में अदा करेंगी? क्या मतलब? इन दिनों मैं बेरोजगार हूं, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ड्राइवर। गुड मॉर्निंग मैम साहब, आइए आइए बैठिए। कहाँ जाएंगी आप? तुम? जी हाँ बिल्कुल मैं। तुम्हें इस नौकरी पे रखा किसने? मैंने इसे नौकरी दी है। लफंगों और कुंडों को कब से नौकरी देना शुरू कर दिया? ये पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये लफंगा नहीं है। आज से तुम्हें जब भी बाहर जाना होगा यही तुम्हें ले जाएगा, ये तुम्हारा ड्राइवर है। मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं। तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ और किसी भी हाल में उसे क्लब मत जाने देना। जी मालकिन। नया ड्राइवर अच्छा है, बहुत अच्छा। देख रहे हो? ड्राइवर हो तो ड्राइवर की तरह पेश आओ, गाड़ी पीछे हटाओ। इतनी तेज रफ्तार अच्छी नहीं छोटी मैम साहब। क्या तुम यहां मेरी रफ्तार पे काबू पाने आए हो? करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे क्लब जाने में देर हो रही है, गाड़ी हटाओ। छोटी मैम साहब आप क्लब तो नहीं जा सकती, सिर्फ आज ही नहीं आइंदा भी कभी नहीं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आप नहीं जानती लेकिन मुझे इसका हक है। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपने मुझे पहचाना नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके बचपन का साथी हूँ। मेरा कोई साथी नहीं था। चलिए मैंने सही, लेकिन आपको रामधन काका तो याद होंगे जो आपके हवेली में काम किया करते थे, मैं उन्हीं का बेटा हूं।
यानी आपके बचपन का इकलौता साथी अनिल। कुछ याद आया छोटी मेम साहब? इससे पहले मैं शहर में नौकरी करता था, लेकिन अब यहाँ वापस आ गया हूँ बापू की देखभाल के लिए। तो करो उसकी देखभाल, मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं आपको परेशान नहीं, आपकी मदद कर रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है, हो सके तो मेरी असलियत किसी पर जाहिर मत होने दीजिए। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी? चाल तो है, लेकिन अच्छाई के लिए। पिंकी, ये सब क्या है? तुम इतनी बदल क्यों गई हो? मैं कुछ बदली बदली नहीं, समझे? भूली हुई कहानियां, भूली हुई कहानियां, भूली हुई कहानियां, भूली हुई कहानियां। ओ हो, ये यादों की परछाई हर बीते दिन की लाई वो झिलमिल करे निशानियां। भूली हुई कहानियां, भूली हुई कहानियां। ओ हो, ये यादों की परछाई हर बीते दिन की लाई वो झिलमिल करे निशानियां। भूली हुई कहानियां, भूली हुई कहानियां। बचपन थका टो से दूर,
अब ये सजाएं हैं किसका कसूर किसका कसूर। ओहो ये यादों की रुसवाई हर बीते दिन की लाई वो झिलमिल झिलमिल सारे निशानियां भूली हुई कहानियां भूली हुई कहानियां भूली हुई कहानियां भूली हुई कहानियां। ये बुड्ढा बहुत थूक चुका, इसे कहो वापस निकल ले। दो मिनट लगेंगे मालिक। आराम जादे, तू थूकना बंद नहीं करेगा ना? नहीं, मरते दम तक थूकता रहूंगा। थू! तेरी ये हिम्मत। बुढ़े, आज मैं तुझे थूकने के काबिल हूँ। अबे हट! आज इतना काफी है, फिर कभी तेरा मुंह हिलते देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बापू, तूने उस बुजुर्ग को क्यों मारा? वो बुड्ढा पागल हो गया था। Thank you.
तुम आदमी काफी ताकतवर लगते हो। ठीक है दियो, वरना मर जाएगा साला। हमारी खातिर तुम क्यों ये सब सह रहे हो? सुनो, नौकरी छोड़ दो और यहां से चले जाओ। इसका ये मतलब नहीं मालकिन, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, लेकिन वो आपका पति है। बस इसी ख्याल ने मुझे हाथ उठाने से रोक लिया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इस हवेली से दूर चले जाओ, वरना ये आग और भड़केगी। मैं नहीं चाहती कि... नहीं मालकिन, नहीं। आप चाहे जो कहे, मैं यहां से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। वाह, कौन पिंकी बिटिया? आज रास्ता कैसे भूल गई? बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? वो अनिल। अच्छा, तो तुम अनिल से मिलने आई हो? हाँ। अरे अनिल बेटे, बाहर आओ, देखो तुमसे पिंकी मिलने आई है। अरे छोटी मालकिन, आप? नमस्ते। कैसे हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं। वाह वाह वाह, बड़ी हमदर्दी है मेरे बेटे से। हाँ, काश कितनी हमदर्दी तुम्हें अपनी माँ से होती। अपनी माँ के लिए अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं, हमदर्दी नहीं, तो सारी बातें बेकार हैं, फिजूल हैं। बापू, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ बेटे, ये नहीं जानती कि इसकी माँ इसकी वजह से कितना बर्दाश्त कर रही है, बरसों से बेचारी कितने दुख सह रही है। दुनिया में शायद किसी बेटी को ऐसी माँ नसीब न होगी जैसी मुझे हुई है। पिंकी, जो नजर आता है सब उसे ही देखते हैं, जो नहीं आता उसे कोई नहीं दिखता। मुझ पर क्या गुजर रही है ये तुम क्या जानो? लेकिन बापू इसे... पिंकी, मेरी बात तो सुनो। पिंकी रुक जाओ। पिंकी, अगर तुम्हारे मन में कोई दुख है तो मुझे क्यों नहीं बताती? कुछ दुख ऐसे होते हैं जो खुद ही सहने पड़ते हैं। बताओ ना, ऐसी क्या बात है? नहीं बता सकती। क्यों? देखो पिंकी, मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी भूख क्या तो मजबूर होकर नहीं की। बापू और मैं तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मालकिन को उनके घर में लगी हुई आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंकी, मैं तुम्हें उस गम से निकालना चाहता हूँ जिसने तुम्हें घेर रखा है। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। देखो पिंकी, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ कौन सा दुख है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ।
उसने पिताजी को मार डाला, मेरे प्यारे पिताजी की जान ले ली। वहां होती तो उन्हें वक्त पर दवाई मिल जाती और शायद वो बच जाते। तो मेरे पिताजी की मौत की जिम्मेदार है। अब तुम्हें बताओ अनिल, मैं कैसे उसे माँ कह सकती हूँ, कैसे उसे माफ कर सकती हूँ? मैं इस बात को हरगिज नहीं मान सकता। तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। तुमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे गलत ढंग से समझा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सच्चाई मैं जानता हूं। बापू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। खानदान और तुम्हारी भलाई के लिए बापू ने ही मालकिन को दोबारा शादी करने पर मजबूर किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मालकिन की जिंदगी बर्बाद हो गई। बापू को बेहद पछतावा हुआ और उन्होंने मुझे तुम्हारे यहां भेज दिया। किस लिए? अरे तुम्हारी जिंदगी के तौर तरीके बदलने के लिए, समझी? मेरा ये रूप नकली है अनिल। मैं इस तरह जी रही हूँ तो सिर्फ अपने गम को भुलाने के लिए। तुम इस तरह अपना गम कभी नहीं भुला पाओगी। अरे पिंकी, अपने आप को बदल दो आज, अभी इसी वक्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। मान लो मालकिन से भूल हुई भी हो, लेकिन इतना तो सोचो, उस भूल की सजा वो कितने बरसों से भुगत रही है, यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी उनसे नफरत करती है। वो जिएंगी तो किसके सहारे, किसके लिए? पिंकी, एक माँ की ममता को समझने की कोशिश करो, उनके जज्बात को महसूस करो, मालकिन के प्यार को मत ठुकराओ। मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकता हूं, सिर्फ इतना समझा सकता हूं। कौन बोल रहे हैं? अमर, रुक जाओ, तुम्हारा फोन है। हेलो, पिंकी हियर। हाय पिंकी, मैं अमर बोल रहा हूँ। आज रात को 8 बजे एक फैबुलस पार्टी है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। किसी को भी आने दो, मैं नहीं आऊंगी। सिर्फ आज ही नहीं, आइंदा भी कभी नहीं। कहाँ जा रही हो? ये जानने वाले तुम कौन होते हो? इन दिनों तुम्हारा चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मुझे ये पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पसंद के लिए ना तो कोई काम कर रही हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। शायद तुम भूल रही हो तुम कौन हो, कितना बड़ा खानदान है तुम्हारा। जी नहीं, मुझे सब याद है। मैं तो ये भी नहीं भूली कि तुम कौन हो, अब भी और तब भी। राज, आज तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, याद रखो।
फिर कभी ऐसी हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज के बाद वो कमीना ड्राइवर इस हवेली में नजर ना आने पाए। मां भी सुन ले और मां की बेटी भी। लिबास में देखकर चौंक गए ना? चौंका नहीं, खुश हुआ। मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता था। ये सब तुम्हारे ही कारण तो हुआ है। अच्छा, तो कोई इनाम नहीं मिलेगा क्या? जरूर, वो ही देने तो आई हूँ। तो लाओ, क्या है मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम ये है कि हवेली के मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? सब बताती हूँ, चलो मेरे साथ। जाओ। ए, तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो? मेरी इजाजत से। मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा ये ड्राइवर इस हवेली में नजर ना आए। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने ड्राइवर के लिए मना किया था। लेकिन अब ये ड्राइवर नहीं, इस परिवार का एक हिस्सा बनने वाला है। जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? बैठो अनिल। ए, उठो यहां से, गेट अप। तुम जानते हो मुझे यहां किसने बिठाया है? उस महान आदमी की बेटी ने, जो इस घर, इस हवेली, इस तमाम जायदाद का मालिक है। इसलिए मैं यहां से नहीं उठूंगा। कुत्ते, तू यहां से उठता है या नहीं? खबरदार जो से हाथ लगाया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम शादी नहीं कर सकते इस दो टके के मामूली ड्राइवर से। क्या कहा? दो टके का मामूली ड्राइवर? हाँ, लगता है अपनी असलियत तुम्हें याद ही नहीं। भूल गए कि तुम खुद एक दो टके के मामूली घोड़े वाले थे। तुम्हारी हैसियत क्या है? मुझे मेरी हैसियत दिखाने पर मजबूर ना करो तो अच्छा है। चले जाओ यहां से। और अगर मैं ना जाऊं तो? शायद अभी तक तुमने मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं। और शायद तुमने भी। तुम्हें इस हवेली में नौकरी दिलवाने वाला एक शरीफ आदमी था। आज उसी की वजह से तुम्हारे पास ये नामो शौहरत, ये इज्जत, ये रुतबा है। याद है, मैं उसी का बेटा हूं। क्यों? याद आया? तुम जो भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं। ना, अब तुम जाते हो यहां से या लाते मार मार के तुम्हें बाहर फेंक दो। हाँ, जिस तरह एक दिन मेरे बाप को बाहर फेंक दिया था। ओ, तो तुम अपने बाप का बदला लेने आए हो।
ऐसा ही समझ लो। मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वाह गायत्री वाह, तो तुम बात यहां तक ले आई हो, देख लूंगा। मोल ले रही हो, अनिल को यहाँ से भेज दो। मैं किसी से डरती नहीं, मैं उसे यहाँ जानबूझ कर लाई थी और नाटक भी जानबूझ कर किया था। कैसा नाटक? यही कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये उस धमकी का जवाब था जो आज हमें दी गई थी। हमसे कहा गया था ना कि अनिल हवेली में दोबारा नजर ना आए। अब मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरी समझ में नहीं आता तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अपनी माँ को बचाने के लिए। माँ? माँ? बेटी? कितने बरसों से ये सुनने के लिए मैं तड़प रही थी। कितना इंतजार कराया है तूने मुझे। एक बार फिर से कह दो मां मुझे। मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है। मैंने तुम्हारी ममता को ठुकराया है, उसका अपमान किया है। मेरे से बड़ा पापी और कौन हो सकता है? नहीं, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटी नहीं, इस एक पल ने मुझे वो सब कुछ लौटा दिया है जो जिंदगी भर में गंवाती रही। आज तूने मुझे वो सुख दिया है जिसने मेरे सारे दुख सारे गम भुला दिए हैं। नमस्ते मालकिन। ओ नमस्ते काका। पिंकी बिटिया आप कैसी है? भगवान ने मेरी सुन ली काका, पिंकी बिल्कुल बदल गई है। क्लब जाना, रातों को देर से लौटना, उसने सब बंद कर दिया है। आज तो उसने मुझे माँ भी कहा है। ये सब इस ड्राइवर की वजह से हुआ है। इसने पिंकी पर ऐसा असर किया कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आ गईं। मालकिन क्या आप इसे जानती हैं? क्यों, तुम इसे जानते हो? मैंने ही तो इसे आपके पास भेजा था। तुमने? ये मेरा बेटा है मालकिन। तुम्हारा बेटा? हाँ मालकिन, ये वही अनिल है जिसका बचपन आपकी हवेली में पिंकी बिटिया के साथ गुजरा। आपको याद है मालकिन, इसी मंदिर में आपने अपना दुख मुझे सुनाया था, पर वो मुझसे सह नहीं हुआ, इसलिए अनिल को मैंने ड्राइवर बनाकर आपके यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन ये सब तुमने मुझसे छुपाया क्यों? सिर्फ इसलिए मालकिन कि अगर राज को हकीकत का पता चल जाता तो वो आपके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता। काका तुम बड़े महान हो, हमारी खातिर तुमने अपने इकलौते बेटे की जान खतरे में डाल दी। नहीं मालकिन नहीं, हमने बरसों आपका नमक खाया है, आपके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं।
पिंकी एक बात पूछूं? हाँ माँ। अनिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा लड़का है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? चल इधर बैठ मेरे पास। तो जानती थी ना कि वो रामधन काका का बेटा है? हाँ। फिर तूने मुझसे छुपाया क्यों? तुझे अनिल पसंद है ना? मैंने कहा था ना वो सिर्फ नाटक था। अगर इस नाटक को हकीकत में बदल दूं तो? अगर वो हवेली में लौट कर ना आता तो शायद मुझे मेरी बेटी का प्यार कभी नहीं मिलता। मैं तेरा हाथ उसी के हाथ में दूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तेरी खुशी है और कुछ नहीं। माँ मालकिन, लेकिन कहाँ हम, कहाँ आप? नहीं काका, मैं धन दौलत जायदाद रुपया पैसा कुछ नहीं देख रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए तलाश है तो सिर्फ एक नेक और शरीफ इंसान की, और वो तुम्हारा बेटा अनिल है। मालकिन फिर भी। बस और कुछ मत कहो काका, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मालकिन आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। मालकिन तो शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया होगा। गायत्री, ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं, सपने और कुछ नहीं। देखो, मैं इस मामले में अपनी दुश्मनी, अपनी जिद, अपनी बीती जिंदगी सब कुछ भूल चुकी हूं। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझो और इस शादी में मेरी मदद करो। यानी मैं अपने गले में फंदा डालकर रस्सी का सिरा रामधन और उसके बेटे के हाथ में दे दूं, हैं? नहीं, ताकि जब वो हरामजादे रस्सी खींचे तुम जी भर के हंसो, खुश हो। क्यों? नहीं राज, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। मेरे सामने तो बस मेरी बेटी का भविष्य है, उसकी खुशी है। हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हें मेरे भविष्य का कोई ख्याल नहीं। नहीं राज, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। गायत्री, क्यों खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? एक बात अच्छी तरह से जान लो, जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी कभी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस शादी को रोकने की कोशिश मत करो। राज, अगर तुम्हें मुझसे कभी प्यार था तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया है, कम से कम मेरी बेटी को तो खुशी से रहने दो। राज सुनो, ये हवेली, ये दौलत, यहां का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगर अगर तुम कहो तो मैं भी यहां से चली जाऊंगी। मुझे जो कहना था वो तुम सुन चुकी हो। ठहरो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। हाँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारा कहना है ना कि जब तक तुम जिंदा हो यह शादी नहीं हो सकती? यकीनन। और यह फैसला बदल भी नहीं सकते? हम कभी नहीं। तो अब मेरा फैसला भी सुन लो। मेरे जीते जी मेरी बेटी की डोली इसी हवेली से धूमधाम से उठेगी, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपना फर्ज पूरा करने से नहीं रोक सकेगी, समझे? गायत्री चुप रहो। Thank you.
बुड्ढे, तो तूने अपने बेटे को बदला लेने के लिए मेरे घर भेजा था? हाँ हाँ, सिर्फ उसी काम के लिए, तुझसे बदला लेने के लिए। इसका अंजाम जानता है? अरे जो भी अंजाम होगा, सीना ठोक कर उसका सामना करूंगा। हम लोग नमक हलाल हैं, नमक हराम नहीं। ठीक है, तो फिर अपने बेटे के लिए कफन का बंदोबस्त कर। क्या कहा? अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो उसे वापस बुला ले। कभी नहीं। अगर वो तुझसे बदला न ले सका तो मुझे ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं। ये उसका बाप कह रहा है। रामधन, जब हम दोबारा मिले और मुझे ये मालूम पड़ा कि तुम वही हो जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है, तो तुमने भी मेरे दिल में घर कर लिया। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी अनिल, फिर तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तब वो पिंकी नहीं थी जिसे तुम जानते थे। हालात ने मुझे बहुत बदल दिया था अनिल, मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। ए पगली, ऐसा कभी नहीं सोचना। मेरी निगाहों में तुम हमेशा वही रही हो और वही रहोगी। अनिल, गायत्री देवी, नाम नक्षत्र पांचांग रीति के अनुसार पिंकी बिटिया का विवाह यदि इस महीने की 15 तारीख तक किया जाए तो अति उत्तम है। तो पंडित जी, आप ही को ये शुभ दिन निश्चित कर दीजिए। जी हाँ। लेकिन मालकिन, रामधन और अनिल अब तक क्यों नहीं आए? काका, अनिल कहाँ है? मालकिन, क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं तो क्यों? कल रात से वो घर नहीं आया, मैंने सोचा शायद यहाँ हो। ओह, कहाँ गया होगा? क्या राज घर में है? कल रात से मालिक भी घर नहीं लौटे। मैं अभी आई। मालकिन, मैं जाके उसे ढूंढता हूँ। मालकिन, ये पिंकी बिटिया कहाँ जा रही है? पिंकी, कहाँ जा रही हो? पिंकी, तुम और यहां? अनिल कहां है? अनिल कौन? अनिल, मैं पूछती हूं, अनिल कहां है? मैं क्या जानू, यहां पर तो नहीं आया। अनिल लापता हो और तुम्हें मालूम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूं, इसीलिए कह रही हूं। ओ, तो बेटी मां से ज्यादा चालाक निकली। गुड, वेरी गुड। मैं जानना चाहती हूं अनिल कहां है। ये जानना क्या बहुत जरूरी है? जब तक जान न लूं यहां से जाऊंगी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, कल जब वो तुमसे जुदा हुआ तो मैं तुम्हारे मजनू से मिलने के मूड में आ गया।
अनिल, तो तूने पिंकी से शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ क्यों, मालकिन ने तुम्हें नहीं बताया क्या?
वाले, ये सबक सिर्फ आज के लिए था, समझा? अब जान गई ना अनिल कहाँ है। जी भर के रो लो अपने मजनू के लिए, क्योंकि अब वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए दोबारा लौट कर कभी नहीं आ सकेगा। रो। कुत्ते, कमीने, तू इंसान नहीं है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अनिल तुम? हाँ। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यह तो दम तोड़ने वाला था कि भगवान ने लोगों को फरिश्ता बनाकर इस वक्त भेज दिया और
मेरे बच्चे की जान बचा ली। बेटे